Hello everyone, in this video I am going to discuss about Berzelius hypothesis and Avogadro's law. Berzelius hypothesis and Avogadro's law. Main topic is Avogadro's law. But before studying Avogadro's law, we'll have to study the Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis. अब हाइपोथेसिस और लॉ में क्या डिफरेंस है? अगर किसी ने कोई काम करा, वो सक्सेसफुल हो गया, उसका कोई थ्रेट प्रैक्टिकल प्रूफ मिल गया, उसको जस्टिफिकेशन मिल गई, ठीक है, तो उसका जो कही हुई बात है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, वो यूनिवर्सल बन जाती है. लॉ यूनिवर्सल होते हैं. लेकिन अगर वो फेल हो जाती है, ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस की हाइपोथेसिस रह जाती है. तो इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है? एवोगैड्रो ने अपना सारा कंटेंट इसी से स्टडी करके लिया था, ठीक है, इसी को देख के लिया था बर्जीलियस को. तो बर्जीलियस की एवोगैड्रो के लॉ को समझने के लिए विल हैव टू स्टडी द बर्जीलियस हाइपोथेसिस. किसका हाइपोथेसिस समझना पड़ता है? बर्जीलियस का हाइपोथेसिस समझना पड़ता है, ठीक है. और फर्दर ये जो दोनों एवोगैड्रो लॉ है एंड बर्जीलियस हाइपोथेसिस है, ये एक्सप्लेन करते हैं गेलियोसिक्स लॉ को. किसको एक्सप्लेन करते हैं? गेलियोसिक्स लॉ को. लेट अस स्टार्ट विद द बर्जीलियस हाइपोथेसिस. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर particular temperature and pressure conditions contain equal number of atoms. इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. बर्जीलियस कहते हैं कि अगर आप गैस का एक इक्वल वॉल्यूम लेते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, मतलब आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को वेरी नहीं कर रहे, तो बर्जीलियस भाई साहब कहते हैं तो आपके उन गैस के वॉल्यूम्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने वाले हैं. उन गैस के वॉल्यूम्स में नंबर ऑफ एटम क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं. जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. नाउ कितने, अगर इसका आपने वन वॉल्यूम लिया, ठीक है, वन वॉल्यूम यहाँ से आ रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसके कितने वॉल्यूम बने? टू वॉल्यूम बने, ठीक है. अब मैं अगर इसको सिंपली एटम में कन्वर्ट कर दूँ, मोल कंसेप्ट एक बार मत लगाना है इस पर, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ. मान लो यहाँ पे एक एटम है इसका, ठीक है, तो आप सेम टेम्परेचर कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी आपको कितने मिलेंगे? सेम मिलेंगे. कितने मिलेंगे? सेम मिलेंगे. तो यहाँ पे भी इसका एक एटम है, ठीक है, तो अब कहोगे इसको तो हम एटम कह नहीं सकते, है ना, पर इसने तो एटम्स के बारे में बात की है, ठीक है. तो याद हो तो पुराने टाइम में जब डाल्टन ने थ्योरी दी थी तो मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड एटम्स का नाम दे देता था. किसका नाम? कंपाउंड एटम्स का. तो यहाँ पे कितने एटम्स बन गए? 2 कंपाउंड एटम्स बन गए, ठीक है. तो अब मुझे एक एटम बनाना है या वन कंपाउंड एटम बनाना है? कितना एटम बनाना है? वन कंपाउंड एटम बनाना है, ठीक है. तो मेरे को इसके और इसके कितने एटम रिक्वायर्ड होंगे? हाफ एटम. इसका कितना एटम रिक्वायर्ड होगा? हाफ एटम, ठीक है. क्या ये पॉसिबल है कि हाफ एटम की एग्जिस्टेंस हो? हाफ एटम, ठीक है. तो हाफ एटम की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. हाफ एटम की एक्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. तो बर्जीलियस की हाइपोथेसिस भी पॉसिबल हमारी में नहीं है, क्योंकि ये हाफ एटम कहाँ से आ गया अब, ठीक है. इसलिए ये जो बर्जीलियस है इसकी जो है जस्टिफिकेशन अपन नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है. ये क्या है? रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि वो एटम्स के बारे में जानता था तो उसने एटम्स की फॉर्म में कह दिया. किसकी फॉर्म में कह दिया? एटम्स की फॉर्म में. अब एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? पहले एटम समझो क्या है. Smallest particle take part in chemical reaction. Chemical reaction it may or may not have. It may or may not have. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. It may or may not have independent existence.
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अब हो भी सकती है का क्या मतलब है, सोडियम अकेला एग्जिस्ट करता है, पोटाशियम अकेला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, यानी कि वो अकेला रह भी सकता है, कैल्शियम सोडियम पोटाशियम गोल्ड प्लेटिनम नहीं दे पीपल दीज पार्टिकल्स लिव अलोन इंडिपेंडेंटली एंड इट मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती, ठीक है. तो ये होता है एटम, ये क्या होता है एटम, ठीक है. तो एटम का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, हाफ एटम का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला. फिर क्या करो, ठीक है, बाद में जैसे काम चला तो पता लगा कि मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉलिक्यूल, ठीक है. तो मॉलिक्यूल का क्या रहता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. अब ये एटम क्यों नहीं करता, अरे भाई अगर एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो एटम्स को कंबाइन करके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. एटम्स को कंबाइन करके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. अगर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा तो एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेगा, ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बन जाए, ताकि उसकी एग्जिस्टेंस बन जाए. इसी चीज को उठा लिया किसने, एवोगैड्रो ने, उसने कुछ नहीं किया, बर्जीलियस फेल हो चुका था, रो रहा था घुटनों में सिर देके, तो उसने किसको उठा लिया, मॉलिक्यूल टर्म को. क्या टर्म, ये तो सारा काम पर सही किया, गड़बड़ कहाँ है, कहते यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल कर देता हूँ, ठीक है. अब इससे क्या फर्क पड़ गया, ठीक है, पहले तो उसने अपना लॉ दे दिया, लॉ वेरीफाइड हो गया, ठीक है, उसने काम ऐसा कर दिया, एवोगैड्रोस लॉ बन गया. क्या बन गया, एवोगैड्रोस लॉ बन गया. इस सारी एक्सप्लेनेशन को उसने मॉलिक्यूल की फॉर्म दे दी, ठीक है, वन मॉलिक्यूल टू कंपाउंड मॉलिक्यूल, एटम की जगह क्या लिख दिया, टू कंपाउंड मॉलिक्यूल. गेटिंग, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाना है, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल. अब आप कहोगे कि ये क्या, आपने तो फिर सेम लिख दिया, एटम की जगह मॉलिक्यूल करके क्या आसान कर दिया, ठीक है. हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाफ एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, बट हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, हाफ एटम है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट जो हाफ मॉलिक्यूल है वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, वो कैसे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एच टू की फॉर्म में मॉलिक्यूल है, एच की फॉर्म में क्या है, एटम है, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, वन एच टू क्या होगा, वन एच टू, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सिंगल एच, सिंगल एच एग्जिस्ट तो करता है ना, एटम की फॉर्म में, किस फॉर्म में, एटम की फॉर्म में रहता तो है. अब हाफ एटम तो हाइड्रोजन को बीच में से ऐसे थोड़ी कर दूं मैं अब, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो तो एग्जिस्ट करता है. ये हाइपोथेसिस किसका आ गया बेटा, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, या एवोगैड्रोस लॉ अपने सामने आ गया. क्या सामने आ गया, एवोगैड्रोस लॉ अपने सामने आ गया. अब इस एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले तो अपन इस तरह से कंपाउंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं,
रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी. क्या रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में, मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में अपन को क्या कैलकुलेट करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है. और इससे मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन कैसे कैलकुलेट होने वाला है तो देखते हैं जरा. ये वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ, ये रेशियो होता है किसका, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. वेपर डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो मास है उसका वॉल्यूम, कोई भी पर्टिकुलरली ऑक्सीजन है, कोई भी गैस है. रेफरेंस किसको ले रखा है, हाइड्रोजन को ले रखा है. किसको ले रखा है, हाइड्रोजन को ले रखा है. अब क्या कहा गया, ठीक है, एवोगैड्रो ने क्या कह दिया, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अगर वो इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू एटम्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, किसके इक्वल आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ. तो वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह पे कोई भी हो, हाइड्रोजन भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह पे अपन क्या लिख दें, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, क्या लिख दें, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, किसके इक्वल आ जाएगा, वेपर डेंसिटी. नाउ वेपर डेंसिटी के इक्वल आ गया, ठीक है. अब मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस का क्या मतलब है, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स का मास, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास. तो वेरी गुड, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास. वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, टू. कितने होते हैं, टू. तो सिंगल एटम मॉलिक्यूल की बात करो, कितने होते हैं, टू, ठीक है. हर एक का मास कितना होता है, वन. कितना होता है, वन. तो क्या आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू इंटू टू इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है. जिसको याद रखने का तरीका क्या होता है बेटा, कॉम्पिटिटिवली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. क्या तरीका होता है, टी वी इज इक्वल टू एम मोलर मास. मैं टी वी देखूंगा, ठीक है. उससे डिराइव होता है टी टू वी वेपर डेंसिटी. क्या बेटा, वेपर डेंसिटी. तो इस तरह से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी दी है तो मोलर मास पूछा है तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो. हद से ज़्यादा इतना ही आता है, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है. बट अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है और मोलर मास पूछे तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वो मोलर मास आ जाएगा, ठीक है. सेकेंडली अपन यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बेटा, अपन एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. एटॉमिसिटी, ये एटॉमिसिटी क्या होती है, H2 टू प्लस सी एल टू गिव्स टू एच सी एल, ठीक है. वन वोल टू वोल, वन वोल में कितने मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल,
नाउ वन एटम सॉरी इसको हाफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, एक में कर दो एक मॉलिक्यूल, इसको किस में कन्वर्ट कर दो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल में, तो ये कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैंने पूछ लिया इसकी एटॉमिसिटी कितनी आई है, आपने इसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, क्या कैलकुलेट कर लिए मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए, कितने मॉलिक्यूल आए हाफ मॉलिक्यूल आए, कितने मॉलिक्यूल आए हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इस तरह से हाफ मॉलिक्यूल आते हो तो उसकी एटॉमिसिटी 2 आ जाएगी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Cl2 में कितने एटम दिख रहे हैं एक और एक दो, तो एटॉमिसिटी कितनी है 2। O2 में कितने एटम दिख रहे हैं एक और एक दो, तो एटॉमिसिटी कितनी है 2। सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं 8, तो एटॉमिसिटी कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। ये वो एप्लीकेशंस है बेटा, वेपर डेंसिटी वाली एप्लीकेशन में कॉम्पिटिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरियस कॉम्पिटिशन में वेपर डेंसिटी के फॉर्म